मध्य प्रदेश में भी रैलियों का दौर जारी है। सभी नेता विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हैं। भोपाल के नरेला विधानसभा से कांग्रेस ने प्रत्याशी मनोज शुक्ला को मैदान में उतारा है। उनके सामने हैं बीजेपी के विश्वास सारंग। मनोज शुक्ला ने कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी शबाना बानो ने उनसे बातचीत की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। नरेला से कांग्रेस ने मनोज शुक्ला पर भरोसा जताया है। उनके सामने बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग मैदान पे हैं। सर, आपको बधाई, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। कैसी चुनौती देख रहे हैं आप अपने लिए नरेला में? नहीं, नरेला में मैं आज से नहीं, पिछले 5-7 साल से जनता की सेवा करने का मैंने काम किया। कोरोना के काल में जब चुने हुए जनप्रतिनिधि भोपाल छोड़ के भाग गए थे, भोपाल के मुख्य समाचार पत्रों में छपा है कि ये कोरोना के समय थे ही नहीं, तब हमने कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ मिलकर लोगों के घर घर पहुंचने का काम किया। लगभग 10 लाख मुंह पे लगाने वाले मास्क बांटे, 500 से अधिक दीवार लेखन का कार्य कराया है, लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई, लोगों की आर्थिक मदद करी, लोगों के बीच में गए। तो जब नरेला में काफ़ी समय से मैं जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में लोगों का सुख दुख का साथी बना हूँ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो लगातार मेरा एक चरण का जनसंपर्क घर घर तो दिवाली के दिन पूरा हो जाएगा। दिवाली के दिन से हम दूसरे चरण की जनसंपर्क की शुरुआत करेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको मैदान में दिख रहा और जनता का प्यार और आशीर्वाद आपके सामने मिल रहा। बड़ा चैलेंज है, पार्टी भाजपा के मंत्री मैदान पे है। एक तरफ आप पिछली बार भी आपको टिकट को लेकर कई चीज चर्चा में थी मनोज शुक्ला को, लेकिन पार्टी नहीं दे पाई थी। इस बार ये जो आपको पार्टी ने भरोसा जताया, इस भरोसे पे खरे उतर पाए? बिल्कुल 100% खरा उतरूंगा। जो भी पार्टी ने मुझे काम दिया, 44 साल की मेरी उम्र है, जो भी पार्टी ने मुझे काम दिया वो मैंने पूरी निष्ठा और लगन के साथ किया। और टिकट भी जो पार्टी ने दिया, ये एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं तो एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया, मेरी जिम्मेदारी, मेरे तमाम साथियों की जिम्मेदारी है कि हम पार्टी को इस सीट चुनाव जीत के दें। आमतौर पर कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, कांग्रेस जो है वो मैदान में नहीं उतरती, लेकिन आपको देखा, आपने कोरोना काल से लगातार महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए, जनता के लिए एक एनजीओ की तरह काम किया, तो उसका फायदा मिल पाएगा? नहीं, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, ये स्पष्ट रूप से आप मेरे साथ रहिए, क्षेत्र में देख सकते हैं। और मैंने हमेशा लोगों की सेवा करने, और मेरे जीवन का संकल्प है, मैं विधायक 50% कमीशन लेने के लिए नहीं बनना चाहता, मैं जनप्रतिनिधि कमीशन लेने के लिए नहीं बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करने के लिए बनना चाहता हूँ, मेरा जीवन का संकल्प है। क्या बुनियादी जरूरतें रहेंगी जिसकी वजह से आप विश्वास सारंग को टक्कर दे पाएंगे? मेरा कई चैनलों के माध्यम से मैंने बताया कि नरेला विधानसभा आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है, न सड़क है, न नाली है, न बिजली है, न पानी है, न लोगों को पट्टे मिले। कपड़ा मिल, इतनी बड़ी संस्था, हजारों लोग उसमें नौकरी करते थे, उसको बंद कर दिया गया, लोग बेरोजगार हैं। यहाँ रोजगार के नाम पे 2-3 चीज़ें यहाँ के जनप्रतिनिधि इन्होंने तय कर रखी हैं, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, ये यहाँ पर रोजगार। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता इनका बोरिया वस्त्र बांधना चाहती है, इनका बोरिया वस्त्र 17 तारीख को जनता बांधेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना, आप नरेला की बहनों के लिए क्या करेंगे जो लोग आपको पसंद करें? ये तो आज लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, हम तो 2 साल से नरेला की बहनों के साथ राधे राधे कर रहे हैं, और जो वो मेरे जीवन का वो यात्रा हिस्सा है, और मैं जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहूंगा राधे राधे बोलता रहूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, कितने वोटों से जीतेंगे, कोई अंदाजा है? ये जनता तय करेगी, जनता मेरी भगवान है, जो जनता निर्णय करेगी वो मैं सिरोधार्य करता हूँ। जो जनता तय करेगी वो मनोज शुक्ला एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि नरेला की जनता, में लगातार पिछले कई सालों से नरेला के लिए काम कर रहा हूँ, तो जरूर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।